प्रभात मिला। हाँ बेचैनी होनी चाहिए बर्थडे में, उससे क्या करूं? आवाज है बच्चे की रोने की। सोचो ना, बहुत ख्वाहिशें थी उसके बच्चे को लेकर, उसकी उम्मीदें इतनी सारी थी, लेकिन जो भी पल बिताने मिल रहे हैं वो कहते हैं ना, पलों के मोहताज है। शर्तें रखी गई और शर्तों के मुताबिक चलना पड़ रहा है, तो कभी विदाउट सपोर्ट शौर्वरी को ज़िंदगी जीनी पड़ती है, कभी पार्ट के बगैर जीनी पड़ती है, और अब बच्चे को भी अकेले ही संभालना है, तो बेचारे के ऊपर कितनी सारी दुख आ गए। पर फिर भी वो बच्चे को शांत कर लेती है, एंड आई ऑल्सो पर्सनली लाइक किड्स, इट्स वेरी नाइस फीलिंग टू हैव किड्स अराउंड। तो मेरा आज पहला दिन था बच्चे के साथ, तो आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड, बट जैसे ही मेरे हाथ में आया, पता नहीं उसे क्यों इतनी भूख लग गई ऑल ऑफ सडन, और बच्चा थोड़ा रोया भी, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे भी रोना आ गया साथ में, कि इतने छोटे से बच्चे को, कुछ ही दिन का बच्चा है, और उस पर इतने सारा टॉर्चर। नहीं, हमने देखा उस दौरान आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल रहा था, जो आपके थॉट्स दिमाग में चल रहे थे, शोरवली कहीं ना कहीं असमंजस में नज़र आ रही थी अभी भी, तो वो क्या है उसके बारे में जानना? ऑफ कोर्स वो उसके लिए जीने का ज़रिया और मकसद भी एक ही है, वो है पार्थ। अगर पार्थ आस पास ना हो, पार्थ ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो रह भी पाएगी, तो वन ऑफ द रीज़न इज़ पार्थ। बट वो नाउ कुछ ऐसी चीज़ें और हालात और शर्त ऐसे रखे गए कि शौर्वरी बच्चे का ख्याल रखेगी और टेनी पार्थ का, तो दोनों की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो चाहकर भी पार्थ को ये देख नहीं पाती है, और देखना भी चाहे तो वो नहीं जाती है। और इप्सिता अगर कुछ ऐसी करे जो जो कि बच्चा एक समय के बाद अपनी माँ के साथ बहुत कंफर्ट हो जाता है, शौर्वरी नई नई है, तो उसके साथ भी कंफर्ट लेवल आने में उसे टाइम लग रहा है, बच्चे को और शौर्वरी को दोनों को। सो द बोथ द थिंग्स आर वेरी चैलेंजिंग शी इज़ फेसिंग, एंड लाइफ ने तो वैसे ही उससे दगा दे दिया, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बेचारी जी रही है, बट जिसकी उम्मीद नहीं थी, एंड इट्स अ गिफ्ट फॉर हर, सो एवरी थिंग इज़ वेरी डिफरेंट एंड चैलेंजिंग फॉर हर, सो नाउ लेट्स सी हाउ शी फेस दिस चैलेंज। अच्छा, रश्मि रियल लाइफ में काफ़ी कैंडिड मोमेंट एंजॉय कर रही है बच्चे का, हमने देखा आप उनको रैप कर रही हैं, फिर जब भी आपको टाइम होता है आपको गोदी में उठा के खेलती है, तो कितना एंजॉय कर रही है बच्चे के साथ शूटिंग करने में, कितना मज़ा आया? मुझे बच्चे के साथ शूट करना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इट्स वन काइंड ऑफ अ डिफरेंट फीलिंग टू हैव देम, अगर वो ऐसे उनके अगेंस्ट कुछ करते तो मुझे बुरा लगता है। बट येस, आई सेड जस्ट पर्सनली मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। हाँ, मुझे मैं उसे पकड़ती हूँ और बहुत सारी डार्क लिपस्टिक लगी जाती है उसके फेस पे लगा देती हूँ, ना अपलोडेड लॉट ऑफ पिक्चर्स विद हिम, एंड आई थिंक दीज आर दैट क्यूट क्यूट मोमेंट्स। मेरे घर के बच्चों के साथ ऐसे मुझे इन्जॉय करने नहीं मिला था, आई डोंट इवन रिमेंबर कि स्वस्तिक भव्या कैसे इतने बड़े हो गए। एवरी टाइम एन आई सी देम, मैं अपने भाभी माँ से ऐसे ही पूछती हूँ, मैंने बोला यार लास्ट टाइम तो भले थे, हाइट देखो बढ़ गई, अब यहाँ तक आने लग गए। सो यार थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, बट इट्स ब्यूटिफुल, सो आई एम एन्जॉइंग एंड चेरिश ऑल द मोमेंट्स विद हिम ऑल्सो। ओके, थैंक यू, थैंक यू।